स्टूडेंट्स, आज जो है वो आपका एसएससी का पीरियड है और एसएससी में जो है हम फाइनल टर्म का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हम अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा एसएससी का फाइनल टर्म का सेकंड चैप्टर है इनाम इकबाल। और वैसे तो आप सब इनाम इकबाल के बारे में जानते हैं क्योंकि हम बचपन से इनाम इकबाल के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इनाम इकबाल कौन थे। इनाम इकबाल जो है वो हमारे मुल्क के कौमी शायर थे। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में लाने की जो है एक ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान जो एक अलग मुल्क होना चाहिए जिसमें जो मुसलमान अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजार सकें। और फिर उसमें उन्होंने कायदे अनुसार मिलकर बहुत ज़्यादा वर्क भी किया था। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा शायरी करते थे और अपनी शायरी की वजह से ही बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूल थे। इसी वजह से जो है वो शायर मशरिक भी कहा जाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर इनाम इकबाल जो कि पेज नंबर 113 पर है। तो आपने अपने पेज अपनी बुक का पेज नंबर 113 ओपन करना है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इलामा मोहम्मद इकबाल इज आवर नेशनल पोएट। पीपल ऑफ पाकिस्तान रिगार्ड हिम एज अ ग्रेट मुस्लिम थिंकर एंड स्कॉलर। ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ शायराए मशरिक एंड हाकिमुल उम्मत बाय द मुस्लिम ऑफ सब कंटिनेंट एंड द ब्रिटिश किंगडम। अच्छा जी, इलामा इकबाल जो है वो हमारे नेशनल पोएट है, हमारे कौमी पोएट है यानी कौमी शायर हैं। ये जो है मुसलमानों के पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है मुसलमान जो है इन्हें जो है वो एज अ ग्रेट मुस्लिम थिंकर और स्कॉलर के नाम से जानते हैं। और इन्हें जो है वो शायर मशरिक और हाकिमुल उम्मत का जो है वो खिताब भी पेश किया गया है इन द ब्रिटिश किंगडम की तरफ से। इलामा मोहम्मद इकबाल वॉज बॉर्न ऑन 9 नवंबर 1877 एट सियालकोट। इलामा मोहम्मद इकबाल जो है वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। ही रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन इन द ट्रेडिशनल मकतब। उन्होंने जो है अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशनल मकतब से हासिल की। लेटर ही ज्वाइन द मिशन स्कूल सियालकोट और उसके बाद जो उन्होंने मिशन स्कूल सियालकोट ज्वाइन कर लिया। फ्रॉम वेयर ही पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और वहीं पर उन्होंने जो अपनी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को पास किया। इन 1897 ही ऑब्टेन्ड हिज बैचलर एट आर्ट्स डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। और 1897 में जो इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री जो है हासिल की थी लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से। 2 years ऑफ लेटर ही सिक्योर हिज मास्टर डिग्री इन फिलोसफी एंड ही अपॉइंट टीचर इन द ऑरिटन कॉलेज लाहौर। और 2 साल बाद जो उन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री हासिल की, उन्होंने फिलोसफी पे मास्टर किया और इसके बाद जो है वो टीचर बन गए ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में। देन ही वॉन्ट टू यूरोप फॉर फर्दर स्टडीज। ही डिड हिज बार एट लॉ फ्रॉम कैम्ब्रिज। इसके बाद जो है वो यूरोप में चले गए अपनी और ज़्यादा स्टडी को कंटिन्यू करें और उन्होंने अपनी और जो स्टडी है वो यूरोप से की। और फिर उन्होंने जो है बार एट लॉ जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया। लंदन एंड हीज पीएचडी इन फिलोसफी फ्रॉम जर्मनी। उन्होंने जो बार एट लॉ की जो अपनी थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की और लंदन से और पीएचडी जो उन्होंने फिलोसफी में की थी वो उन्होंने जर्मनी से की। इनाम मोहम्मद इकबाल वॉज फर्स्ट मुस्लिम लीडर ऑफ द सब कंटिनेंट टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया ऑफ अ सीक्रेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। इलामा इकबाल जो है वो फर्स्ट मुस्लिम ऐसे लीडर थे जिन्होंने सब कंटिनेंट के अंदर जो है वो एक आइडिया दिया था कि सीक्रेट कंट्री होनी चाहिए मुसलमानों के लिए, जो कि इंडिया उस वक्त जो था वो हिंदुस्तान था। मुस्लिम्स हो गए, जो हिंदू हो गए और जो हमारे अंग्रेज है सब मिक्स रहते थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना जो उन्होंने एक ख्याल पेश किया था कि हम जो मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री बनाएं। ही डिड दिस वाइल एड्रेसिंग अ मुस्लिम लीग सेक्शन एट अलाहाबाद इन 1913। ही वर्क क्लोजली विद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने जो है ये ख्याल पेश किया था कि मुसलमानों के लिए जो एक अलग से मुल्क होना चाहिए और वो जो है कायदे आज़म के बहुत ज़्यादा क्लोज थे जब वो वर्क करते थे। ही इज़ नाउन एज मुफक्किरे पाकिस्तान थिंकर ऑफ पाकिस्तान। इन्हें जो है मुफक्किरे पाकिस्तान यानी थिंकर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। He is best remembered as a philosopher poet, but he has also a political and a social reformer and a great Islamic scholar. वो जो है बहुत ज़्यादा philosopher थे, बहुत ज़्यादा philosopher poet थे यानी शायर थे। इसके अलावा jurist, political and social reformer और a great Islamic scholar थे। He wrote many revolutionary poems in Urdu and Persian. उन्होंने जो है बहुत सारी poems लिखी उर्दू और पर्शियन जबान में।
Among his books, Asare Khudi, Ramus Bhi Khudi, Bang Dara Shikwa, and Jawabi Shikwa are the most famous and have been translated into many languages. ये जो बुक्स के नाम बताए गए हैं जिसमें है ये असारे खुदी, रमूज़े बेखुदी, बंगदारा शिकवा, जवाबी शिकवा बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत सारी लैंग्वेज में जो है ये इसकी ट्रांसलेट की गई। ऑन अप्रैल 21, 1938 द ग्रेट मुस्लिम पोएट्स, फिलोसफर्स एंड चैम्पियन ऑफ द मुस्लिम कॉज डेड एट लाहौर। 21 अप्रैल 1938 को हमारे जो ग्रेट मुस्लिम पोएट थे, जो हमारे फिलोसफर थे, जो हमारे चैम्पियन ऑफ द मुस्लिम कॉज थे, उनका इंतकाल जो है वो लाहौर में हुआ। पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी हिज ड्रीम कम्स ट्रू। पाकिस्तान बनाने का जो उन्होंने ख्वाब देखा था वो भी सच साबित हुआ। ही वॉज बोर्न नेक्स्ट टू द बादशाही मस्जिद इन लाहौर। हिज बर्थडे इज एनुअली कमिटेड विद पाकिस्तान इकबाल डे विच इज़ अ नेशनल डे। वो जो है बादशाही मस्जिद लाहौर में जो है उनका जो ही वॉज बोर्न नेक्स्ट टू द बादशाही मस्जिद लाहौर एंड हिज बर्थडे इज एनुअली कमिटेड इन पाकिस्तान इकबाल डे विच इज़ अ नेशनल डे। इनकी जो बर्थडे होती है वो पाकिस्तान में जो इकबाल डे के नाम से मनाई जाती है, यानी उस दिन जो है वो हमारा इकबाल डे होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी क्लास चैप्टर जो क्लास सॉरी फाइनल टर्म का सेकंड चैप्टर था जो आज हमने रीड किया है, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आपने इसकी अच्छी सी रीडिंग करनी है, घर से जो प्रॉब्लम आपको आती है वो आप पूछ सकते हैं, और आपने इस चैप्टर का जो है वो बहुत अच्छे से टाइटल बनाना है अपनी कॉपी में, और जो काम आपको दिया जाएगा वो PDF के थ्रू सेंड करना है, सॉरी कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।